अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थैंक यू इस अपना भाई का अम्मार खान किंग टू। इस बंदे ने मुझे कहा कि भाई रमज़ान एपिसोड में जिमी को क्रिकेट मैच खिलाओ, तो हमने कहा चलो ठीक है, अच्छा आइडिया है। तो भाई हम आज इस वीडियो में क्रिकेट मैच खेलेंगे, जिमी काला और सारे मिल के आज की वीडियो में क्रिकेट मैच वो खेलेंगे। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि यार आप लोगों का भी नाम आए तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा हुआ है। मुझे अगली वीडियो का कोई भी आइडिया आप लोग दे सकते हैं, जो भी नेक्स्ट वीडियो मैंने बनानी है उसका कोई भी आइडिया आप इसी वीडियो में दे सकते हैं। जिसका आइडिया मुझे अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम मैं लूँगा और शाउट आउट भी दूँगा। तो आज की वीडियो मिस नहीं करनी, ठीक है, पूरी लाजमी देखनी है। बहुत मज़ा आया एंड पे, बहुत मज़ा आया, लेकिन वीडियो को आपने पूरा लाजमी देखना है। देखो यार, मुझे ना एक अपने टोयोटा क्रोला चाहिए, बिल्कुल पिन पैक। वो जो बर्ड कुड़ी है ना वाइट कलर की, यार मुझे कोई खास पसंद नहीं है, मॉडिफाई गाड़ी है, मुझे सिंपल चाहिए। चले सर, आपको सिंपल में मिल जाएगी। सर मैं अगर आपको एक GLA गाड़ी दिखा दूँ तो? GLA गाड़ी? जी जी सर, एक GLA गाड़ी भी है, अगर वो मैं आपको दिखा दूँ ठीक है? यार दिखा दो तो अच्छी बात है। चले सर, आप विश्वास कीजिएगा ना, अपना नंबर लिखवा दें, मैं आपको कल कॉल करता हूँ। वो गाड़ी एक जगह पर खड़ी हुई है, मैं वहाँ से मंगवा लेता हूँ। तो ब्लैक कलर में खड़ी है, तो मैं कहता हूँ बहुत ही फ्रेश गाड़ी है और फ्रेश इंपोर्ट है, ठीक है? तो आप कहते हैं तो मैं मंगवा लेता हूँ, आप बस अपना नंबर लिखवा दें, थोड़ा सा एडवांस दे दें। चलिए ठीक है, अपना कितना एडवांस देना पड़ेगा? सर कोई नहीं, आप 5000 देना चाहें 5000 दे दें, बस ये है कि बस आपकी तरफ से थोड़ा सा वो टोकन टाइप ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं फिर 5000 दे देता हूँ, नंबर भी लिखवा देता हूँ, और फिर कल सुबह चक्कर लगाऊँ फिर शहरी के बाद। या सर शहरी के बाहर लगाना है, शहरी के बाहर लगा लें, अफ्तारी के बाहर लगाना है, अफ्तारी के बाहर लगा लें, नहीं तो जैसे आज आप आ गए तकरीबन 1-2 बजे आ गए, अभी आ जाएँ, इस टाइम मैं अवेलेबल ही होता हूँ, आप टेंशन लें। अच्छा अच्छा, सही टाइम आप होते हैं? जी जी सर, मैं 24 घंटे इधर ही होता हूँ, आप जब भी आएंगे मैं इधर ही आपको मिलूँगा, आप टेंशन लें। चलिए ठीक है, ठीक है। असल में आपको पता नहीं, आजकल हालात ऐसे बने हुए हैं, किसी पर एतमाद नहीं किया जा सकता ना, लोग फिर गायब हो जाते पैसे पूसे लेके। नहीं नहीं सर, आप टेंशन लें, आप बिना तकल्लफ जाएँ, ठीक है, और कल इंशाल्लाह आपको गाड़ी मिल जाएगी, आप टेंशन लें। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए मैं भी नंबर लिख देता हूँ। हाँ ये आपको मैं देता हूँ, ये कागज़ वगैरह पड़ा हुआ है, आप लिख दें, मैं तब तक भाई गाड़ी शाड़ी देख लूँ। चलिए ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, आप लोगों के रोजे रोजे भाई सही गुजर रहे होंगे। तो गाइज आज भाई बहुत सारी चीज़ें हैं अपडेट मैंने की है शोरूम में। उससे पहले भाई आप लोगों ने कर लेना है इस चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो जल्दी से कर लो, लाल बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना, साथ ही साथ भाई वीडियो को लाइक कर दो। और नीचे यार कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला पड़ा होता है, भाई मुझे कोई आइडिया दिया करो नया नया, ठीक है, जैसे कि इस भाई ने आइडिया दिया था तो उसका मैंने आइडिया पिक कर लिया था। तो इसी तरह यार आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे नए नए आइडिया दें, ताकि मैं आप लोगों का अपना नाम पिक करूँ और भाई फिर उस आइडिया के ऊपर काम करूँ, ठीक है ना। तो भाई आज बहुत सी मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं, मैंने शोरूम में काफ़ी चीज़ें अपडेट की हैं, काफ़ी कस्टमर आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। तो भाई चले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी से। ये जी है हमारे पास हुंडई की सोनाटा खड़ी हुई है, ठीक है, फुल ब्लैक कलर में है, शीशे ब्लैक है, टिंट करवाए उस बंडे ने। और चेक करें भाई, अलॉय रिम चेक करें, सबसे पहले मैं आप लोगों को अलॉय रिम चेक करवाता हूँ। ये देखें भाई, खाली खाली तकरीबन 4-5 लाख वाले उसने अलॉय रिम लगाए हुए हैं। तो यार ये गाड़ी आई है शोरूम में, ठीक है, सेल होने के लिए आई है। कल एक बंडा आया था यार, उसको ना पैसों की जरूरत थी, तो वो कह रहा था यार मुझे ना गाड़ी ये सेल करनी है, तो कितने में कोई लेगा? तो भाई मैंने उसे सिंपल सीधा सीधा मना कर दिया, मैंने कहा भाई पापा आएंगे तो भाई वही बताएंगे, इस गाड़ी को चेक कर लेंगे। तो मुझे मशवरा दे रहा, कहता है ये पार्कवीर वाले को बुला लो भाई, वो तकरीबन 1500-2000 लेते हैं, वो गाड़ी को चेक कर लेंगे यार सारा कुछ, फिर आप अपना मुझे पैसे दे दीजिए। मैं कहा नहीं नहीं भाई, पार्कवीर के ऊपर क्यों भरोसा करना भाई, हमारा काला जिंदाबाद है यार, वो आएगा चेक करेगा इसको, और पापा भी आएंगे वो चेक करके, और उसके बाद हम इस गाड़ी को कर देंगे सेल, ठीक है। गाड़ी तो यार चेक करने में यार बहुत ज़बरदस्त लग रही है यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त गाड़ी, चेक कर रहे हैं भाई अभी, काफ़ी ज़्यादा उसने ड्रॉप कराई हुई है। इसके बाद ये हमारे पास ये कस्टमर की गाड़ी है यार, ये उसने कहा हमें ना मॉडिफाई कर दो, बहुत ही पुराना मॉडल है, E500 है, ठीक है, तो मर्सिडीज़ की है यार। तो उसने कहा भाई इसके शीशे शीशे ब्लैक कर दो, इसकी ट्यूनिंग वगैरह कर दो, अलॉय रिम चेंज कर दो। तो भाई उसने कहा जो तेरा दिल करता है ना वो कर दो, मैं एक दफ़ा ना आप लोगों को अंदर से भी दिखा देता हूँ, गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त है यार, बहुत ही गैंगस्टर वाली गाड़ी है, मैं एक दफ़ा ना आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से इंटीरियर वगैरह। अबे जिम्मी ध्यान से गाड़ी ना चला देना, अभी नई नई गाड़ी नहीं चलाता यार, टेंशन ना ले, असल में वो अपना जफर भाई वो आप ट्यूनिंग वगैरह कर रहे हैं ना, तो इसलिए यार। अबे ध्यान से भाई, तो ये चेक करें भाई, इंटीरियर वगैरह चेक करें भाई, क्या ज़बरदस्त इंटीरियर है इसका, ये चेक करें भाई, लाइटें शर्टें भाई, डिटेलिंग वगैरह चेक करें इस गाड़ी की, बहुत ही साफ और कंडीशन में रखा गया था इस गाड़ी को यार, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से यार। इस गाड़ी को फुल मॉडिफाई करना है,
तो ये आप लोग देखिएगा यार, इस गाड़ी को कैसे मॉडिफाई करते यार। गाड़ी हो गई ना पूरी, अपना ट्यूनिंग हो गई है। हाँ नहीं नहीं बस कह रहा हूँ यार, ये इसके पेच पूछ सारे उतार। अबे भाई ध्यान से उतारे यार, ये पहला हाथ तू ही लगा रहा है। हाँ मैं ही लगा रहा हूँ यार, टेंशन ना ले। तो भाई साहब इधर हमारे अपना जफर भाई साहब इसकी ट्यूनिंग करेंगे। अभी तक तो ये पेचो ही नहीं इसे उतरे जा रहे। अबे भाई उतारे तो पेच अभी उतर जाएंगे भाई। बड़े ध्यान से उतार रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी ध्यान से उतारो। इसके साथ साथ यार ये गाड़ी ये खड़ी है, ये है जी कस्टमर की, ये भी आई है ठीक है। इसका यार मसला ये है कि इसकी एक तो ट्यूनिंग करवानी थी, ट्यूनिंग मेरे ख्याल से हो गई। और ट्यूनिंग हो गई है ना जी? जी माइकल भाई अपने। अबे माइकल भाई नहीं हुए, मैं जिमी हूँ जिमी। एक तो यार इसने रोजा रख लिया, हर बंदा है ना इसे माइकल भाई नजर आ रहा है। सॉरी सॉरी जिमी भाई, वो एक्चुअली वो बस रोजा रख लिए ना इसलिए। ट्यूनिंग हो गई ना इसकी? जी जी ट्यूनिंग होगी। अच्छा तो यार इसका ना एक मसला यार ये है कि इसके ना सामने इसने लगानी है ग्रिल, जो है बड़ी ग्रिल नहीं होती वो डंडा जो लगा होता है यार, वो उसने लगाना है। और पीछे ना एक एक्सपायर यानी कि ना टायर लगाना था नीचे बिल्कुल इसके पीछे। वो मुझे मसला उसने दिया यार, मुझे ना नीचे टायर लगा दो। मैंने कहा नहीं भाई, इस गाड़ी के पीछे टायर सही लगता है। तो उसने कहा चलो ठीक है। अब मसला यार ये हो रहा है कि इसकी जो सामने वाली ग्रिल है ना यार, वो मिल नहीं रही, वो जिसे डंडा कहते हैं यार, तो वो मिल नहीं रहा यार। वो मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं काले को अपना कहता हूँ यार वो कहीं से ढूंढ के ना बंदोबस्त कर देता है। तो क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी जगहों से आई है तो अब मेरे पास ही आई है। उसने कहा यार ये करके दो। इसके साथ साथ यार ये गाड़ी है, ये गाड़ी का यार मसला था यार, अभी इसे पॉलिश वालिश लगाई है, आप लोगों को पता है कार्बोरेटर का इशू था। तो गाड़ी माशाल्लाह से सेट हो गई है, चकनी चक हो गई है। और भाई साहब और कोई मसला तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं जिमी भाई बिल्कुल अंडर कंडीशन हो गई है। बस मैं एक्चुअली बस इसे पॉलिश लगा के फाइनली करने लगा था। अच्छा अच्छा चलो भाई साहब बात सुनिएगा। जी जी सर फरमाएं भाई साहब, ये गाड़ी अपना कितने का सेल हो रहे हैं यार? ये अपना इनसे रब्ता कर लें, ये जो साफ कर रहे हैं इनसे आप पूछ लीजिए। अच्छा अच्छा बताएंगे रहे इधर भाई, क्या मुसीबत है एम यार फजूल में यार, दिमाग ख़राब करने आ जाते लेने यार, होनी होती नहीं है इन्होंने और बस दिमाग ख़राब करके चले जाते। अच्छा यार ये हमारे पास आ गई है दो मोटरसाइकिलें ठीक है। ये तो एक मैंने 125 ली थी, ये वाली ये आप लोग देख सकते हैं 125 बिल्कुल मैं कहता हूँ जीरो कंडीशन में है। ये मैंने बाइक किया था यार, मुझे इसका साउंड वगैरह अच्छा लगा था। इसके साथ साथ ये एक प्राइड फॉर 125 हमने खुद लिया बाइक किया ठीक है, क्योंकि यार कुछ कस्टमर होते थे। अरे काले आ गया तू? अरे हाँ आ गया यार, मैं वो चाबी बोल गया था। अबे वहाँ यार काले बड़ी एनक लगाई हुई है तूने। हाँ यार बस इधर से कुछ सामान वगैरह मैं अपना लेने जा रहा हूँ। अबे कौन सा सामान लेने जा रहा है? अबे भाई कुछ काम कर लेना तू। अबे यार काला भाई फुल मैं कहता हूँ माहौल में जा रहा है भाई, कपड़े छपड़े फुल मैं कहता हूँ मस्त माहौल में जा। चलो काला लगता है वो यार प्लेटें बुटे लेने गए जा रहे हैं, वो सोलर प्लेटें, उसकी वजह से काला यार वैसे ठपा हुआ है। मेरे ख्याल से आज काले की वैसे ही बारिश हो गई है, क्योंकि यार वो पापा के साथ गया मैंने काला, तो मेरे ख्याल कुछ सामान सामान ले रहा हूँ इधर पास कर की है। पापा लगता है इसे भगा रहे होंगे, ऊपर से काले ने आज रोजा रख लिया। तो ये गाड़ी यार अपना अब सीन ये है कि यार इस गाड़ी को कराना है मैंने मॉडिफाई। तो अभी काले को कहा हुआ भाई, काला तो आज काफ़ी यार टप्पा हुआ है। अच्छा इसके बाद भाई मैं आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दिखानी है। तो भाई साहब हमने कुछ चेंजिंग वगैरह की है, ये चेक करो भाई, चेक कर रहे हो भाई यार? ये हमने ना ये वाला जो रोड है ना, ये वाला ये था रोड ठीक है, इसे हमने अब रेंट रोड पर ले लिया गाड़ी गुड़िया खड़ी करने के लिए, क्योंकि यार शोरूम के अंडर यानी कि जो वर्कशॉप है ना उसके अंडर इतनी जगह नहीं थी। तो मैंने यार ये फिर अपने पापा को कहा कि यार वो शार्ट वाली जो जगह ना वो रेंट आउट कर लेते हैं, तो वहाँ पर गाड़ी शाड़ी खड़ी कर लेते हैं। ये इधर पापा की गाड़ी खड़ी है और ये गाड़ी आप लोग देख सकते हैं भाई, मैं कहता हूँ ये ठंडरा है ठीक है, बहुत ही बड़ी गाड़ी है यार। इसको भी यार थोड़ा सा शर्ट शूट करना है, ये पापा लेके आए तो किसी दोस्त दूस की है यार, पापा के पास एक गाड़ी थी ना वो ठंडरा यार, उस तरह का उन्होंने मॉडिफाई करवाना इस गाड़ी को पूरा। और यार ये गाड़ी भी एक वैसे ही हमने ना एक बार से उठा के लेके आए थे, यानी कि इसकी हालत थोड़ी सी नाजुक की है। इसको मैंने यार इस तरह लगा दिया है, अभी सीधा नहीं किया, काला शाह बाटे तो भाई फिर इसको भी गाड़ी को भी सीधा शीधा करके फिर इसको भी ना शर्ट शूट करके इसे भी सेल करनी है। इसका यार अभी बहुत सामान लेने वाला है, तो मैंने तो काले को कहा कि यार ये अजाब ना ही भाई अपने गले डाले, लेकिन काला काटा नहीं भाई, इसको ना मैं मॉडिफाई करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है भाई काट ले भाई। और इसके साथ साथ ये महरान आप लोग देख सकते हैं, इसको मैंने ऊपर लगा दिया, क्योंकि यार जगह का मसला है ना यार, जगह बहुत छोटी है यार, ये चेक कर रहे हो महरान ऊपर लगाई हुई है। और इधर ये हमने ना जगह, ये वाली जगह जो हमने रेंट आउट पे बाई की हुई है, ये मेरी अपनी जगह नहीं है, इसका हम मैं तकरीबन 50,000 डेली का रेंट आउट दे रहा हूँ भाई। सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हैं बस, और कुछ भी नहीं है भाई। गाड़ियाँ खड़ी करने का मैं 50,000 महीने का दे रहा हूँ। तो ये दो गाड़ियाँ इधर हमने खड़ी कर दी हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना अपग्रेडेशन आ रही है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आ जाएगी यार, क्योंकि यार पापा अभी ना सोच रहे कि इसी को अभी फिलहाल चलाते हैं, क्योंकि ओला शोरूम तो आप लोगों को पता ही है यार, मेरी गलती की वजह से ना एक साल के लिए उनको दे दिया है। वो बेचारों का उनका भी नहीं चल रहा यार, वो भी अजाब पर आई रो रहे हैं भाई, क्योंकि काला उनके पास ही काम कर रहा है ना।
चलो यार, सबसे पहले यार उसको ना वायर लगा दूँ, इस गाड़ी को भी मैं कह रहा हूँ वायर लगा देता हूँ, क्योंकि यार अभी ना मसला बहुत हुआ हुआ है, जगह बहुत कम है, गाड़ियाँ की कस्टमर की गाड़ियाँ आती आती हैं, तो इसको मैं वायर लगा देता हूँ, ठीक है, उसको पीछे जगह पर लगा देता हूँ, क्योंकि यार ये गाड़ी जो ना पिछली गाड़ी में निकालनी है, फिर इसको मैं पीछे लगा दूँगा, इसका ग्रिल का मसला यार इसको मैं फुल पीछे लगाऊँगा, तो इसीलिए यार इसको मैं ना फिलहाल की गाड़ी अपना बिल्कुल पीछे लगा देता हूँ। चलो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करो कि यार कौन कौन सी गाड़ियाँ लेके आए यार, ये वाली गाड़ी के ऊपर तो यार मेरा फिलहाल की गाड़ी ढील आ गया, काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ी है यार, माशाल्लाह बोल दिया करो यार, माशाल्लाह बोल दिया करो, ये अभी मैं बाइक कर रहे हैं, हमने बाइक कर लेनी है, मेरा ढील आ गया हुआ इस गाड़ी के ऊपर, काफ़ी ज़बरदस्त ये चेक कर रहे हो भाई, बोल भाई साहब लग्जरी गाड़ी है लग्जरी, इस भंडे ने ऐसा सही लगाया इस गाड़ी के ऊपर, अभी तो मैं कह रहा हूँ इसका ना साउंड भी थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या ख्याल है यार इसका, थोड़ा सा पट पट वाला साउंड लगाते हैं यार, अभी वो रिक्शे वाला पट पट नहीं यार, एक दूसरा होता है यार वो लगाते हैं इसके अंदर, इसको आराम आराम से पीछे लेके आता हूँ यार। चलो भाई साहब इस गाड़ी को मैं थोड़ा सा आगे करके लगा देता हूँ, क्योंकि यार ये मेन रोड है, फिर ये ना कोई भाई ठोक कर ना चला जाए भाई, ये भी यार चीज़ें देखनी पड़ती हैं, मेन रोड है, कोई बंदा आकर ठोक कर निकल गया ना भाई साहब, अजीब भी मसले में हम फंस जाते हैं, एक दो दफ़ा हुआ भाई साहब, ये गाड़ी जो थी ना मेरी जो प्रीवियस गाड़ी थी यार, ये आगे खड़ी थी, वो एक बंदा ठोक कर चला गया था, अब बंदा कुछ कह भी नहीं सकता यार, हैवी रोड पे हम, तो उसमें मेरी गलती थी, तो इस गाड़ी को यार सबसे लो कस्टमर की गाड़ी है, इसको मैं पीछे लगा दूँ, बहुत महंगी गाड़ी है भाई, किसी दौर में पापा के पास भी थी, लेकिन बस यार वो दौर काफ़ी अच्छा था, इस गाड़ी को मैं पीछे लगा देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड गुजरना भी होता है ना उस हिसाब से, बाकी इसका यार काड़ा आता है तो वही हिसाब किताब को लगाएगा, अबे यार ये बंदा उस टाइम पे खड़ा है यार, जलील करी जा रहा है, इस गाड़ी को आगे लगा देते हैं ठीक है, और इसके बाद जाके यार ना आज ना बहुत सारे और भी काम करने हैं, एक तो यार सोलर प्लेटें लगनी है, पापा और काला गए हुए हैं तो सोलर प्लेटें लेने, क्योंकि यार इधर एसी उसी लगा नहीं हुआ और पापा को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो वो यार जल्दी चले जाते हैं घर पर, तो मैंने फिर मशवरा दिया कि यार आप सोलर प्लेटें ही लगवा लें, एक बैटरी रखवा लेते हैं, एक एसी भी लगा लेते हैं, और साथ में यार जनरेटर भी रखाना, क्योंकि यार यहाँ पर जो है ना लाइट काफ़ी आ जा रही है यार, बहुत लाइट जाती है, हमारे लिए ना बहुत मसला हो जाता है, अभी फिलहाल की गाड़ी वो प्लेटें लेने गए हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि जनरेटर भी हम मंगवा ही लेंगे शोरूम के लिए ना, तो मैंने कहा चलें यार वो भी मंगवा लीजिएगा जनरेटर भी, क्योंकि यार बड़ा मसला होता है, चलो तो इस गाड़ी को फिलहाल की गाड़ी इधर लगाते हैं, कोई कस्टमर अगर आ गया तो भाई गाड़ी को सेल कर देंगे भाई, अपना प्रॉफिट कमा लेंगे, सही है ना गाई, इसी तरह चलना चाहिए, बाकी यार अपना और अगर आप लोग चाहते हैं कुछ चीज़ें अपग्रेड करूँ शोरूम यानी कि वर्कशॉप के लिए, एक तो शोरूम यार चढ़ा रहता है यार वो शोरूम उठाना, तो ये वर्कशॉप है, तो आप लोग नीचे जरा कमेंट सेक्शन में बताया करें, मैं सोच रहा हूँ इधर शेड लगा देता हूँ एक छोटा सा ना जो शेड होता है ना इधर ऊपर, क्योंकि गर्मी है भाई बहुत आ रही हैं और भाई गाड़ियों ने वैसे ही जल जाना है, तो ऊपर जाकर इधर एक शेड लगा देता हूँ ठीक है ना, इसलिए मेरे ड्रग बीच में आ गया ना मसला ये हो रहा है, चलो अब मैं अंदर जाकर बैठ रहा हूँ, तब तक यार उस डॉक्यूमेंट थोड़े से छिनचे छुनचे करने यार उसके ऊपर भी ना, देखिए खान भाई अपना कुछ कर लें यार, थोड़े बहुत पैसे कम कर लें, हाँ भाई नहीं नहीं भाई इतना काम नहीं करते जितना तुम काम कर रहे हो यार, 5 प्लेटें ले रहे हो तुम और 5 प्लेटों का तुम लोग 1 लाख दे रहे हो भाई, 3-4 लाख की प्लेटें, खान भाई देखिए हम पीछे से हम पता करके आए, वो सस्ती दे रहा है भाई, लेकिन हम आपके पास ही आए, और तेरा खाना खराब हो, वो मेरा भाई है उसी ने आपको इधर भेजा है, देखो भाई ज़्यादा बहस ना करो, मुझे रोज़ा लग रहा है तुम लोग शायद हो जाओ जल्दी करो, अबे यार काले आराम से बात कर लेना यार इनसे, देखो लेनी है तो लो नहीं तो जाओ, सुबह सुबह धमाका नहीं करने आ गए, खान भाई देख लें, खान भाई चलें आप बता दें कितने में दोगे, देखो यार 10 प्लेटें मैं आपको दूंगा, वो भी पूरे का फल 2 लाख में, खान भाई इतना तो जुलम ना करें यार, रमज़ान है तो भाई, रमज़ान है तो मैं क्या करूँ, रमज़ान है तो है, रमज़ान आ गया, अब रमज़ान आ गया, हमने अपना खर्चा किया, हम अपने ईमानदारी के पैसे हम आपसे ले रहे हैं ठीक है ना, हम आप लोगों की जैसे नहीं है भाई, रमज़ान आते ही फ्रूट महंगे खा देते हो, यार ये तो धोती खो रहा है माइकल भाई, चले वो अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो उनका रेडी वालों का मसला है, वो कहते हैं फ्रूट हमें पीछे से अपना मिलता है महंगा मिलता है, अरे वो तो महंगा मिलता है लेकिन तुम लोग लेते क्यों, भाई घर खोलो इन लोगों का, हाँ वो तो करेंगे लेकिन अब कुछ इस पर करें, देखो भाई 2 लाख से नीचे भाई मैं नहीं आऊँगा, जो करना है खा लो, यार माइकल भाई चलो यार इसका दिमाग का नहीं कर रहा है, देख लो खान भाई आखिरी दफ़ा है यार, चलो चलें 1.5 में दे दें, नहीं नहीं भाई 1.5 में नहीं देगा, पूरा का पूरा देना तो भाई पूरा का पूरा 2 लाख में देना, लेना तो लो नहीं तो भाई कल्टी हो, और काले यार समझ में नहीं आ रहा, जी जी माइकल भाई इधर आए ना यार, थोड़ा दफ़ा करो यार बाद में रहना ना भाई,
बड़ा अच्छा ऑर्डर दिया तुमको। अबे यार ये खान भाई क्यों नहीं भाई, और आगे है प्लेटें वाला यार, मुझे तो एक रोज़ा लग रहा है काले यार, इतनी धूप हो रही है और ऊपर से यार हम ये प्लेटें देखने आ गए। तू मामा कहीं और लेके जाता ना मुझे यार, अब क्या करना है प्लेटों का। माइकल भाई देख लें यार वो क्या करना है, ले लिए तो फिर ले लें, फिर आगे फिर हमें और जाना पड़ेगा, आधे घंटे का सफ़र है, फिर आपकी बस हो जानी है। अबे हाँ यार बस तो मेरी अभी भी हो गई है यार, कुछ कर यार काले, इससे मना कोई खान को यार, इसे कह के चलो यार 160 में दे दे। चलो मैं मनाता हूँ, एक सेकेंड आप खड़े हो इधर, आ जल्दी बना यार। क्या तू काले फिर से आ गया भाई, देखो 2 लाख में देनी है भाई, इससे कम की नहीं देनी। खान भाई देखें कूल डाउन हो जाए, मेरे बॉस उधर खड़े हुए, अब वो तो भाई कहीं और लेके जा रहे हैं, वो आधा घंटे का सफ़र करते हैं, हम उधर से ले लेते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, अब हम खान बाबा के पास आ गए, हमने खान से ही लेके अब जानी है। खान भाई कुछ कर लो यार, कुछ नहीं भाई कुछ भी नहीं करना, मेरा भाई ले नहीं तो लो नहीं तो जाओ। देख लो खान भाई अब हम उधर जा रहे हैं, उधर से तो हमें सस्ती मिल ही जानी है भाई। क्वालिटी का फर्क होता है, क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है, क्वालिटी हमारा चेक करो इसकी। हाँ खान भाई क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, वो तो मैं देख रहा हूँ, बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त है, लेकिन चलें कुछ रेट तो कम कर लें। देखो भाई हमें ये प्लेट पीछे से काफ़ी महंगी पड़ती है, इसीलिए हम आपको इतनी की दे रहे हैं। चलो यार ना थेरा ना मेरा 190 में ले लेना बस। हैं 190 में? खान भाई 160 ठीक है यार। ना अरे भाई 160 नहीं, मैं अभी नीचे आ गया, 10,000 तुम्हारी वजह से छोड़ दिए, असल में मुझे घाटा हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुझे दे रहा हूँ। अरे यार चलें मैं बात करता हूँ। खान भी भाई अपनी जीत पर अड़ा हुआ है। हाँ काले क्या कहता है यार? माइकल भाई वो कह रहा है कि अपना 190 में देगा वो। अबे यार मतलब कि ये नीचे नहीं आएगा, पता नहीं यार, अब देख लें बाप क्या कहते हैं। चलो यार ले ही लेते हैं, क्या कर सकते हैं अब, उसे कहा ठीक है डील डन कर, लेकिन प्लेटों से क्या सही हो, आ जाए मैकली बात कर लें आप। हाँ भाई माइंड बैंड गया तुम लोगों का। हाँ खान वो अब 190 में ठीक है, लेकिन प्लेटों की गारंटी होनी चाहिए ठीक है ना, 2 नंबर प्लेटें ना हो। अरे खान बाबा से लेकर जा रहे हो, 2 नंबर नहीं होगी मैडम, तुम लोग क्या कहते हो भाई, मैं तुम लोगों का जैसे नहीं हूँ, 1 नंबर प्लेट दिया तुम लोगों को ठीक है ना, बिल्कुल अभी यार तो भाई इसके ऊपर पूरा का पूरा घर रोशन करो, मोहल्ले वाले को दो। नहीं 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 माइकल भाई, माइकल भाई बात सुनिए। हाँ अब माइकल भाई इसे बैटरी का भी पूछेगा। अबे यार बैटरियाँ खान बाबा अपना बैटरियों की, अरे बैटरियाँ कहाँ पर होंगी भाई, 190 में ले रहा हूँ, बैटरियाँ नहीं होंगी, वो बैटरियाँ अलग हमारा लेनी पड़ेगी, वो हमारा भाई से जाकर ले लो। अरे यार वो कितने की मिलेगी यार? वो कम से कम तुम खाओ मिल जाएगी मारा, एक सेकंड सोचने दो मेरा, वो आपको 50,000 में बैठियाँ मिल जाएंगी। अच्छा यानी 50 में मिल जाएंगी यार, ये तो काफ़ी काले साहब ये तो काफ़ी महंगी है पड़ी हैं यार। तो मारा मुझे बता लेनी है नहीं लेनी, जाकर मेरा टाइम वेस्ट ना करो। नहीं नहीं लेनी है लेनी है, 3 प्लेटें कर दो यार, फिर मैं आपको पेमेंट गैस कैश कर दूँ। ये मेरा गैस कैश तो हमारे पास नहीं है, अब बैंक में ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता, इससे कर दो इजी पैसा दे दो। इजी पैसा माइकल भाई मेरे पास है, चल काले यार से इजी पैसा कर दे यार, और प्लेटें ना लगवा ले यार, मैं इधर यार बहुत धूप है, मैं इधर खड़ा हूँ, तू प्लेटें शेटें लगवा, बड़ी गर्मी है यार। क्या हमारा कहाँ जा रहे हो, दुकान के अंदर ना घुसो। माइकल भाई वो बैठियाँ भी लेनी पड़ जानी यार, वो खर्चा काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाना यार, खर्चा तो अब हो रहा, तू प्लेटें रखवा जा जल्दी जल्दी से, ठीक है गाड़ी में लोड करवा। चलो ठीक है ठीक है। हाँ चलो चलो सही तरह रस्सी बांध दिया ना। अजी जी माइकल भाई ये देखे भाई, रस्सी पक्की मार दी है, आगे पीछे नहीं जाएंगी प्लेटें। चलो यार ये स्क्रैचेज यार वगैरह ना आ जाने तो यार, इसके ऊपर यार ये सेल करना था डाला मैंने, माइकल भाई नहीं आता इसके ऊपर ना, मैंने पहले कपड़ा बिछाया उसके ऊपर फिर मैंने प्लेटें रखी हैं, वरना तो फिर आप लोगों को पता ही है माइकल भाई, फिर हमें वो ट्राला वगैरह करना पड़ना था, उसने ज़्यादा पैसे लेने थे। चलो भाई कॉल है, तेरी मर्ज़ी है भाई, हर जगह भाई तेरी मर्ज़ी चलती है। माइकल भाई देखे ना बचत करवा दी ना मैंने आपकी, अभी देख लें यार प्लेटें ना आगे पीछे हो जाएं। और नहीं नहीं माइकल भाई नहीं होती नहीं होती भाई यार, वैसे वजन थोड़ा सा हो गया है डाले के ऊपर भाई। कोई नहीं 4x4 कर लेना। हाँ जी जी माइकल भाई वही कर रहा हूँ भाई, पीछे से निकाल ले यार, आगे सीढ़ियाँ नज़र नहीं आ रही तुझे। ओह सॉरी सॉरी माइकल भाई, वो एक्चुअली मैंने देखा नहीं है, ध्यान से जाएँ ठीक है ना, और लोगों को बचा के यार कहीं घिर ना जाएँ यार, मुझे तो ये टेंशन हो रही कहीं प्लेटें ना गिर जाएँ। नहीं नहीं माइकल भाई नहीं गिरती, अब टेंशन ना लें, अब टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैंने पक्की रस्सी बांधी हुई है। चल देख ले यार देख ले काले यार जिस तरह करना है तूने, लेकिन गाड़ी को आराम आराम से ठीक है ना। अजी जी माइकल भाई अब बेफिक्र हो जाए, गाड़ी को मैं ऐसे आराम आराम से लेकर जाऊँगा ना, आप कहेंगे कि यार वाकई आराम से यार, वजन कुछ ज़्यादा ही गाड़ी के ऊपर हो गया है ना। अजी जी माइकल भाई प्लेटें देख लें, 3 प्लेटें हैं, बड़ी बड़ी प्लेटें हमने ली हैं। हाँ फिर भी यार काले आराम से आराम से आराम से भाई गाड़ियाँ देख के यार काले। जी जी माइकल भाई अब टेंशन ना ले, मैं आराम से ही जा रहा हूँ, बेफिक्र हो जाए यार, अपनी साइड पर रखना तू। जी जी माइकल भाई अपनी साइड पे रखी हुई हैं।
चल जाने दे यार। असल में यार तुझे पता ना गर्मी बहुत होती है, पैट्रियों का भी यार बंदोबस्त समय करना पड़ेगा। कोई टेंशन नहीं ले माइकल भाई, बैटरी को भी इंशाल्लाह हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए, बस आपने भाई टेंशन नहीं लेनी है। हाँ वही तो टेंशन तो नहीं ले रहा मैं। अबे काले ऐसा यार ऐसा चला यार, आगे पीछे प्लेटें हो रही हैं। बहुत सॉरी माइकल भाई, आराम से जाने दे यार, इतनी कौन सी जल्दबाजी है यार। वैसे मैं कह रहा हूँ आपको गर्मी लग रही थी ना, कोई नहीं एसी चल रहा है ना, बस ठीक है। माइकल भाई इसका मतलब एसी भी लगाना पड़ेगा हमें तो। कोई नहीं यार, अभी फिलहाल प्लेटें लगाते ना, सबसे पहले ये लाइट का जो मसला है ना यार ये तो हल हो जाए ना। जी जी माइकल भाई, वो लाइट का जो मसला बना हुआ था वो तो हल माशाल्लाह से हो जाएगा, आराम से जाने दीजिए, ठीक है ना। जी जी माइकल भाई, बस पहुंच गए हम। माइकल भाई कहाँ पे लगानी है? इधर लगा देना, बल्कि इस तरह कर यार इसको पीछे लगाते फिलहाल की गाड़ी, यार छत पे वैसे लगानी है, पीछे ले जा, पीछे गाड़ी ले जा। जी जी माइकल भाई, आराम आराम से जाने दे गाड़ी, ध्यान से पीछे देख के गाड़ियाँ देख के काले। जी जी माइकल भाई बेफिक्र हो जाए आप, इधर लगा दे माइकल भाई। हाँ हाँ जाने दे गाड़ी, जाने दे आराम से काले, आराम से ब्रेक पे पैर रखी, प्लेट ना गिर जाए यार। नहीं माइकल भाई, मैं नहीं गिरती। चलो इधर नीचे ना उतार दो प्लेटें, ठीक है उतार लेगा ना तू? हाँ माइकल भाई बेफिक्र हो जाए यार, प्लेटें यार आप मेरे होते हुए टेंशन क्यों ले रहे यार। चलो यार जल्दी ही उतारो भाई, नहीं टेंशन ले रहा। अच्छा अब लगानी ऊपर ही है, चले माइकल भाई एक सेकंड मुझे प्लेटें उतारने दें। प्लेटें लगा दी हैं मैंने, अब तो अब इसे ऊपर लगानी, अभी लगानी है यार। देख ले सीढ़ी अगर कहीं से मिलती है तो। एक सेकंड माइकल भाई, जिमी को पूछता हूँ यार, सीढ़ी मिल जाए ना, सीढ़ी के ऊपर चढ़ के हम ऊपर भी प्लेटें को लगा देंगे, फिर यार एक इलेक्ट्रीशियन को बुला लेंगे तो फिर वो कल आकर ना वायरिंग कर देगा। क्यों माइकल भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ ठीक है यार। ये पेज क्यों नहीं खुला? क्या कर रहा है अभी तक तुझसे पेज नहीं खुला है? नहीं खोल दिया। अबे यार ये किसकी गाड़ी है, अभी तक तुझसे पेज नहीं खुल गया इससे? तकरीबन हम कितने दिन टाइम हो गया हमें किए हुए माइकल भाई? तकरीबन 2-3 घंटे तो हो गए यार। अच्छी भाई यार ध्यान से देखा करना माइकल भाई, देख रहा हूँ। जिमी ओए जिमी, ओए क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे क्या? कौन है? अभी नहीं पानी नहीं पी रहा भाई साहब, इधर वो मैसेज कर रहा था। हैं गर्लफ्रेंड को मैसेज हैं बता दे। अबे नहीं भाई अस्तगफुल्लाह भाई अस्तगफुल्लाह बोल रहे, मैं शर्ट नहीं करता। अच्छा वो अभी वो प्लेटें आ गई हैं तो ऊपर लगाने को सीढ़ी है। सीढ़ी हाँ है, लगा लेते। अच्छा चलो आ जा भाई, भी सीढ़ी लगानी है भाई, ऊपर चढ़ना है। आ जा भाई शर्ट पर हो जा। ओए हो रहा हूँ भाई, संग कर रहा है जिमी। ये गाड़ी हुई नहीं है यार, ये मर्सिडीज पापा यार, इसका वो मिल नहीं रहा था ना, वो ग्रिल नहीं मिल रही जो टायर यार, इसको ढूंढ के जल्दी फारिग करना यार, वो मुझे कॉलिंग कर ही जा रहा है वो बंदा। मैं कुछ करता हूँ पापा, आप टेंशन लें, ये काले नहीं ढूंढ के रहनी है। प्लेटें कहाँ पर आई हैं? ये बाहर रखी हैं काले साहब ने। वाह पापा 3 प्लेटें ले आए। हाँ मैंने कहा चलो यार एसी वगैरह भी कल को लगवाना पड़ जाता ना, इसका मतलब हमें इन्वर्टर एसी लेना पड़ेगा। हाँ इन्वर्टर ही ले लेंगे, खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा अब हो गया है, अब थोड़ी सी कमाई भी कर लो। और नहीं इंशाल्लाह कमाई हो जाएगी। कल एक बंदे को मैं गाड़ी सेल करनी है, और एक गाड़ी भी सेल होने के लिए आई थी, वो भी मैंने आपको दिखानी है। अच्छा सबसे पहले वो सीढ़ी ले लगाना इधर। और जी जी मैं लगाता हूँ। ये पापा लगा दिए सीढ़ी। अबे वाह जिमी यार तेरे सही तलक आ रही इधर। अबे भाई बस ये टलक आटी बना के मैंने रखे हुए हैं, आ जाए जाइए पापा ऊपर। नहीं तू चढ़ देख ले। हाँ ठीक है ऊपर ऑपरेटर लग जाएंगे ऊपर। हाँ ठीक है ना, जगह है ना? हाँ जी जगह तो काफ़ी ज़्यादा ही है, और इलेक्ट्रिशियन को बुला लेंगे इधर सामने रखा लेंगे। चलो ठीक है फिर अपना इस तरह करते ना, सीढ़ी रख ले फिर ये प्लेटें ऊपर रख देते फिलहाल गाड़ी, फिर इलेक्ट्रिशियन आके कर देगा। हाँ ठीक है चलो ऐसे ही कर लो तुम लोग, चलें ठीक हो गया माइकल भाई। मैं इलेक्ट्रिशियन का फिर पता करता हूँ। हाँ यार तू इलेक्ट्रिशियन का पता कर। और कौन सी गाड़ी जिमी तूने दिखानी थी? पापा वो एक गाड़ी आई इधर, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो एक गाड़ी खड़ी थी हुंडई की। हैं हुंडई की? वो ब्लैक कलर की? हाँ वो ब्लैक कलर की आई है ना सेल होने के लिए। अच्छा ये गाड़ी, अच्छा ये गाड़ी सेल होने के लिए आई है, क्या डिमांड कर रहा है पापा? वो डिमांड तो 1 करोड़ कर रहा है। क्या 1 करोड़ की गाड़ी? जी जी अबे जिमी पागल हो गया क्या भाई? पहले पैसे जेब में नहीं हो तू 1 करोड़ की फिर ये गाड़ी बाय कर रहा है? नहीं मैंने तो उसे अपना नहीं कहा, मैंने कहा भाई इतने में नहीं लूँगा मैं। वो कह रहा है कि मुझे पैसों के पास जरूरत है, जितने के निकलते निकालो। अच्छा कोई चोरी गाड़ी की चोरी की तो नहीं है कहीं? और नहीं डॉक्यूमेंट तो वैसे चेक नहीं किया। अबे पागल पहले डॉक्यूमेंट चेक करते हैं ठीक है ना, वो एक एप्लीकेशन है ठीक है, उस पर जाकर सर्च करके देख लिए कर। अच्छा चलो फिर वो कल आता तो मैं चेक कर लेता हूँ। माइकल भी कौन सी गाड़ी है, क्या मसले वाली है? और इस बेवकूफ़ ने डॉक्यूमेंट ही नहीं देखा, 1 करोड़ की कार है। 1 करोड़ की? एक सेकेंड देखो सही कौन सी भाई, इसमें क्या चीज़ लगा दी है? देख काली यार, एक सेकेंड माइकल भाई
गाड़ी तो यार काफ़ी ज़बरदस्त है यार, माशाल्लाह से अच्छी गाड़ी है। अबे भाई चोरी की भी गाड़ी हो सकती है ना ये वाली? हाँ माइकल भाई ये तो वैसे है, चोरी शोरी की भी हो सकती है गाड़ी। तो डॉक्यूमेंट भाई चेक कर लाजमी किया कर भाई, मिशन तो ओके लग रही है, अंडा पीस ही लग रहा है। अंदर से इंटीरियर देख लूँ, यार इंटीरियर भी काफ़ी अच्छा है गाइस, सनरूफ भी है, ज़बरदस्त है यार, फुल मॉडिफाई बंदे ने कराई हुई है, स्टेरिंग वगैरह भी सारा कुछ ओके है। अगर भी गाड़ी तो ठीक है यार, ठीक है हाँ बस ठीक है, फिर अपना हिस्सा कर लेना ना जिमी साहब, कल वो आए ना तो डॉक्यूमेंट देख ली। हाँ जिमी लाजमी डॉक्यूमेंट उससे देख ले कितना डिमांड कर रहा है मैकल भाई, वो कह तो रहा है 1 करोड़। अरे 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा यार। और नहीं नहीं वो कह रहा था कोई मैं कम कर लूँगा कुछ। अच्छा अच्छा कम कर लेगा वो कुछ? हाँ वो कह रहा था उसके बकोल। चलो फिर देख लेते हैं भाई कहीं चोरी चोरी के ना हो। नहीं नहीं चोरी की नहीं है भाई, वो टेंशन ना ले। चल यार काले तू इलेक्ट्रिशियन बुला, मैं थोड़ा सा अंदर बैठ जाऊँ, लाइट आ रही है ना? हाँ जी जी पापा आ रही आ रही है। चलो ठीक है मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ जिमी, तू फिर इलेक्ट्रिशियन वगैरह को बुला, फिर निकलते हैं, फिर रफ्तारी वगैरह भी करनी है यार आज। अबे यार इधर से जाता हूँ। और तू कर ले भाई, तेरे से ट्यूनिंग ही नहीं हो रही। हाँ नहीं नहीं मैं भाई कह रहा हूँ यार इधर ही सो जाता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ भाई, इधर बहुत थक गया हूँ। एक सेकेंड यार नमाज भी पढ़नी थी यार, चलो वजू करके ना नमाज पढ़ लूँ यार। गाड़ी का यार मुझे पता ही नहीं था डॉक्यूमेंट चेक करने। अबे पागल डॉक्यूमेंट चेक कर लिया का यार भाई? अच्छा तू एनेक्ट हो डाट अब। हाँ चलो यार आजा मेरे साथ ही इलेक्ट्रिशियन देखने चलते हैं। हैं इलेक्ट्रिशियन? हाँ ये गाड़ी निकाल, पेट्रोल है ना इसके अंदर? हाँ पेट्रोल तो है यार। चलो भाई निकाल लो फिर गाड़ी यार, कस्टमर की है। अबे कस्टमर को गोली मार चल। हाँ भाई चेक ही करनी है वैसे, बात तो ठीक करना, चल आ जा यार। कहाँ पर? पास ही जाना है ना? हाँ इधर पास ही जाना है यार, इधर बिल्कुल पास ही है। चल आ जा आ जा, मैं गाड़ी को एक सेकंड बाहर निकालता हूँ, ठहर जा। चल तू बैठ ही जा यार। यार गाड़ी तो यार झिमी, गाड़ी तो यार बहुत ही ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, ऐसे लग रहा है जैसे जहाज़ में बैठ गया हूँ बेटा। ये गाड़ी है ही जहाज़, एक ये या एक यार सिविक जो आई है यार। सिविक और ठीक है, सिविक में कुछ ऑप्शन है, कुछ इसमें नहीं है, कुछ इसमें है कुछ सिविक में नहीं है। हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है। अबे ध्यान से भाई, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है गाड़ी। हाँ भाई गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई है ये तो। आराम से बेटा आराम से जान दी। हाँ यार जिमी गाड़ी माशाल्लाह से काफ़ी ज़बरदस्त है। हाँ गाड़ी तो चेक कर रहा है भाई, सब फुल अंडर कंडीशन गाड़ी है भाई, फुल टॉप हुई है गाड़ी। अच्छा मैकेनिक कहाँ पर है? हाँ चल तू इधर यार, आज कोई प्लान करे ना यार अफ्तारी के बाद, हैं किस चीज़ का? अभी क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। हैं क्रिकेट का? हाँ कर लो यार, मैं कहता हूँ कर ही लेते हैं आज क्रिकेट खेलते, तू मैं या फिर क्या ख्याल है? ठीक है कर लो भाई कर लो, जानी को बुला ले। भाई नहीं नहीं यार वो उन्होंने यार टाइम काफ़ी लगा देना है, उन्होंने गाँव से आना है। चल ठीक है अगर वो कर दे एक दफ़ा फ़ोन, अगर आता है ठीक है, नहीं तो भाई फिर खुद ही खेल लेंगे। चलो ठीक है यहाँ से ना बैट वगैरह भी ले लेते हैं। हाँ ठीक है बैट ले लेते हैं, बॉल भी ले लेते हैं। हाँ इधर से रस्ते से ना बैट भी पकड़ लेंगे। और मैकेनिक को तूने क्या ना क्या, अब वो आ जाएगा? हाँ देख तो रहते हैं भाई, शायद आ जाए। अबे यार काले ये देख, अबे भाई साहब ये भाई कब शोरूम बन गया इधर है? अबे वाह यार ये कब बन गया इधर, मुझे खुद नहीं पता भाई साहब। चेक कर रहे भाई साहब, गाड़ियाँ खड़ी हैं इधर भाई, पूरा का पूरा शोरूम बना हुआ इधर तो। अरे वाह जिमी, ये मुझे खुद नहीं पता था यार इधर पे, मैं खुद आ इधर, आप खुद आ रहा हूँ इधर, हेड दरवाजे इधर। अबे चल छोड़ यार, तू गोली मार यार। अबे नहीं no यार गाड़ियाँ चेक कर भाई, अबे गोली मार तू, चल बैठ। अबे नहीं नहीं यार फिर भी माशाल्लाह अच्छा यार, कोई नहीं जिमी, एक दिन हम भी खोलेंगे इसी तरह का, इंशाल्लाह यार इंशाल्लाह खोलेंगे गाइस। बस ये यार गाइस लोग अपना कमेंट कर दिया करें ना नीचे, बता दिया करें भाई यार, लगता है पूरा नया बना है लग्जरी ऑटो उसके नाम से बना ये। हाँ यार मैं भी वही देख रहा हूँ लग्जरी ऑटो के साथ। भाई ये चेक कर भाई, अलॉयडिंग भी लगे हुए डिस्प्ले में भाई, अगले बंदे ने पूरी की पूरी बिल्डिंग खरीदी हुई है। चल गोली मार यार, अभी दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा तो। अरे टेढ़ा क्यों दिमाग ख़राब हो रहा है? अबे वैसे ही यार बस छोड़, दफ़ा कर। चलो ठीक है हेड टू का टाइम, हाँ मकैनिक को ढूंढता हूँ, फिर बैठ लेते फिर निकलते हैं। हाँ जी भाई साहब रेडी हो गए हूँ, भाई साहब मैं तो फुल रेडी शेडी हो गया हूँ, ये देख रहे हो भाई साहब बैट लेके आया हूँ यार। असल में आई दुकानें शाड़ी बंद हो गई थी तो इसलिए वहाँ पर बैट वगैरह पड़ा नहीं था, तो ये भाई साहब मेरा पुराना बैट पड़ा हुआ था, टेपे शेपे मैंने इसके ऊपर लगा दिए हैं। अब बैट की थोड़ी सी हालत ठीक नहीं है, टेपे शेपे लगाई हैं लेकिन काम चल जाएगा। ये देखो भाई साहब हमारे लौंडे भाई आ गए हैं क्रिकेट के मैदान में। अभी यार मैंने तो उनको काटा, गली में लगा लो, इन लोगों ने तो इधर ही लगा दिया। चलो भाई
अस्सलामुअलैकुम जीमी भाई, आज यार जल्दी आ जाना। अरे टू भी आ गया। हाँ हाँ, वो काले ने फोन किया था, क्रिकेट मैच है। हमने कहा भाई हम कैसे छोड़ सकते हैं। ओ यार ये तो जबरदस्त हो गया। हाँ जी हाँ जी। अरे जिमी आजा यार, क्या कह रहा है? ओए आ गया यार, आ गया मैं, चिल्ला क्यों रहा है? ओए यार जल्दी कर लेना जिमी भाई। माइकल कहाँ है? हम पापा वो यार वो गए हुए कहीं यार, उनको भी मैंने फोन एक कर रहा हूँ। ठीक है, अरे जल्दी करो भाई, मैच खेलने पहली बैटिंग मेरी होनी है। अबे तू चुप कर, पहले मुँह से पारी निकाल के बात कर तू। अरे यार जिमी ऐसे नहीं किया करो। अरे अच्छा अच्छा, कुत्तों के साथ लड़ने ना लग गया करो भाई। अभी अफ्तारी साहब लोगों ने कर लिया ना? भाई खेल लिया हाल लिया यार, मैंने पिछड़े रखे यार, बस बहु खाने मैंने। अच्छा अच्छा, कि पकौड़े के मुंह वाले बाद में तुझे खाना खिला दूंगा। जो भाई बात सुनो, जो मैच जीतेगा ठीक है वो खाना उसकी तरफ होगा, ठीक है ना? हैं जीतेगा उसकी तरफ होगा। हाँ हाँ, जो जीतेगा। भाई ठीक है, लड़ने करो। अरे तेरी जेब में पैसे हैं? अच्छा अच्छा, लड़ना बंद करो यार, जल्दी से लगाओ मैच, लगाओ यार। भाई मेरे तो हाथों में भाई खुजली हो रही है भाई, मैं सबको फाड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ भाई सब लोगों को फाड़ दूंगा मैं, छक्के चौके लगाने हैं भाई। यार गाड़ी को साइड पर लगा देना था यार, तुम लोगों को पता तो है भाई, इधर जिमी प्लेयर आ गया भाई, जिमी छक्के चौके लगा कर लाइटें तोड़ देनी है। ये देखना ऐसे बैट मारना है मैंने, ऐसे ऐसे। चलो काले साहब आ जा भाई। अरे नहीं, अबे तू उधर पीछे जा, खड़ो जा, शाबाश। ओए सिपाही तू, हाँ तू पीछे सिपाही, तू इस तरह पीछे जा। अबे मैं मुझे पीछे क्यों खड़े कर रहे हो? अरे यार तू पीछे जाना, तेरी हरकतें ऐसी हैं यार, हमें पीछे भी एक बंदा खड़ा करने पड़ेगा। माइकल भाई पता नहीं कहाँ पर रह गए, चल इतनी देर गेम हम लगाते हैं तब तक तू पीछे जा दूँ। हाँ बस ठीक है। हाँ तू भी ठीक है? अरे तू ठीक है ना इधर? हाँ मैं ठीक हूँ। चल जिमी तू ठीक है? हाँ हाँ मैं भी ठीक हूँ। करा बॉल। चलो भाई अभी जिमी को बॉल करानी है और जिमी के छक्के छक्के खुल जाए। अभी वट्टे बॉल नहीं कराना इसे यार, फेर से। अबे तू मुंह बंद कर, हम तो वट्टे बॉल ही कराते हैं। जिमी साहब आर यू रेडी? हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। करो मारो मारो, फेंको बॉल। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड फेंक रहा। ये आया बॉल और ये भाई, अबे काले यार क्या कर रहा यार, सीधी बॉल मार, खड़े होकर करवा यार। सॉरी यार, एक सेकंड यार, वो एक्चुअली मैं पीछे से बट्टा बाहर करने लगा, लेकिन चलो ठीक है जिमी, रेडी है? हाँ हाँ मैं रेडी हूँ। चलो ठीक है, ये बॉल आने लगी है, ये आ गई बॉल। बेटा करा अभी तुम्हें बताता हूँ, ये छक्का बेटा कैसा मारा मैंने, चेका। अरे पकड़ भाई बॉल को पकड़, अबे ओए जाफर बच्चे बॉल को पकड़, जल्दी जाके पकड़। बेटा अब देखिए भाई, तुम लोगों को चुन चुन के मारूंगा बेटा, ये बॉल सबक। अबे भाई आराम से बॉल करा यार, काले क्या हो गया तुझे यार, अबे जल्दी पकड़ के ले आ। झेलो ठीक थे यार, अजीब है, इतनी जगह दूर भर फेंक दिया, मिल गया बॉल यार। फेंक लो बॉल, पकड़ लो। हेलो बॉल फेंक लो, मैं एक तो सुन ले, कर लो बॉल पकड़। चलो यार एक तो यार बचाने, अजीब है यार, इतनी दूर बॉल फेंक देते हैं भाई, मुझे फील्डिंग पे लगा दे, मुझे बैटिंग ना दी ना भाई, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। हाँ जी मी रेडी हो गया। अबे यार काले डांस करा यार, तू वट्टा बॉल करा रहा है बेटा, बॉलें ऐसे ही होती हैं, तू खेल सही तरह खेल, बंदे की पुत्रों के खेल ठीक है ना। हाँ मैं खेल रहा हूँ, टेंशन ले तू भाई, देखिए कैसे छक्के छक्के लगाता मैं बेटा। अब तू जिमी गया, अब तू खत्म है भाई। अबे काले यार ये हरकत ना कर यार बेटा, तू खत्म है अब। ये बेटा फिर ये दे, खेल ले छक्का खा और खा। अरे भाई एक सेकंड मैं पकड़ता हूँ ये। अरे यार ये इतनी दूर छक्का मार दिया इससे, पता नहीं यार। अरे जल्दी पकड़ के ले आ बॉल यार, जल्दी कर। अरे आ गया भाई आ गया। एक तो यार पहले जान नहीं है पाऊँ मैं, ऊपर से भगा के मारेंगे। काले गेंद पकड़ काले, हाँ फेंक दे। अरे पकड़ ले। अरे थका दिया इन लोगों ने यार, भगा के। जी भी अल्लाह की कसम आज तू खत्म है यार, अबे तू आउट करके दिखा मुझे बेटा, तू आज खत्म है, ये ले। अबे वाइट करा दी भाई, वाइट करा दी, सही तरह फेंक। अबे खाले सही तरह फेंक ये खेल कर। हाँ अबे खाले मुझे दे। हैं तू, ये ले भाई, तू ले बॉल। अबे मुझे दे बेटा, अभी देखी इसे मैं आउट करता भाई, वट्टे बॉल कराने इसके सर में मारने। अबे ओए सर में ना मारी, ध्यान से कराई। अबे बेटा तो देखी इसके मैं वट्टे बॉल कराऊंगा सर में। अबे यार इसको क्यों बॉल दे रही यार, ये बॉल नहीं ठीक करवा रहा यार, इसने नहीं करवानी चाहिए। अरे कुछ नहीं होता जिमी। अबे मेरे आते ही तेरे फट गए बेटा, अभी तू देख बेटा जिमी, तेरे ऐसे गिट्टों के अंदर मारूंगा ना बॉल, तू खुद ही छोड़। अभी ना यार ऐसे ना कर बेटा, अभी तू देखी ये ले बेटा, आउट है जिमी, आउट है। अबे यार ये क्या ये कर रहा है, वट्टे मार रहा यार। अबे आउट है, चल साइड पे हो जा।
आउट है चल बेटा। यार ये क्या बात है यार, बट्टे बॉल करवाई जा रहा यार तू। अबे तू आउट है ना, साइड पे हो जा यार। ठीक है यार, मर्जी है आपकी, मैं भी बैट नहीं दे रहा। अबे जिमी ऐसी एक्ट ना कर, अब बाली लेके तू भाग रहा है। अबे हाँ मैं भाग रहा हूँ बाली लेके। अबे जिमी तेरे में ऐसी की तैसी, इधर आते तू। अरे जिमी को पकड़ा पकड़ा बैट लेके भाग रहा है। अबे भाई मुझे आउट कर दिया, मैं इनको बैट नहीं दूंगा भाई, चलो भागो। हैं भाई वट्टे बॉल करा रहा है भाई साहब, आप लोगों ने देखा वट्टे बॉल करवा रहे भाई, ऐसा कोई होता है? वट्टे बॉल बार बार करवाई जा रहे थे मुझे भाई, मैंने इनको बाली नहीं देनी, मैं भाई भाग जाना मैंने। अबे मैंने तुझे कहा था यार, इसको बॉल ना करा, वट्टे बॉल ना करा। अबे माँ भाई मैंने कुछ कहा था यार, अब तू जाके लेके आए इसे। ओए जिमी यार बात सुन। अरे यार जिमी तो धोखा करा गया। अबे यार क्या रोंदी है भाई, जिमी भी रोने लग जाता बच्चों की तरह। हमें जल्दी बुला कर लें, हाँ मैं लेने जा रहा हूँ। अजीब यार गाइस देख लो भाई, जिमी की हरकतें, फिर जिमी चुपड़े खानी है उसने मुझसे। हाँ हाँ भाई देखो, मैंने इतना वट्टा बॉल तो नहीं करवाया ना गाइस। ओए तूने वट्टा बॉल कराया बेटे, तूने बहुत गंदा बॉल करवाया उसके बेटा, मुंह पे लाई जानी थी। अबे भाई कुछ हुआ तो नहीं है ना, बचा तो हो गया ना? अरे यार तुझे मैं क्या बोलूँ यार। ओ जिमी यार क्या करूँ भाई, इस बंदे का भी ना कुछ नहीं हो सकता, कसम से इतना रोता है ना, अब रो रो के अंदर भाग गया ये। अबे इसे खिलाना ही नहीं चाहिए था भाई, तुझे मना किया ऐसे ना खिला भाई। नहीं नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम देखिए इसे मैं पहलूँगा भाई, नेक्स्ट टाइम खेलेंगे हम। यार अभी गाइस जैसे पूरे का पूरे मैच के ना सत्यानाश जिमी ने कर दिया यार, कसम से यार। अच्छा भला मूड बना हुआ, सारे मूड की ना ऐसी की तैसी फेर दी है। आप लोग यार नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, नेक्स्ट मैच हम लगाएं या ना लगाएं जिमी के साथ भाई। नेक्स्ट मैच में हम माइकल भाई को भी लेंगे, आज का सारा मैच ही ख़त्म हो गया यार। मैं तो घर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ऐसे बताते भाई, निकलते हैं, हम भी लेट हो रही है काफ़ी। और जिमी हम घर जा रहे हैं ठीक है। अबे यार चल आया, चलें यार गाड़ी चलें भाई। अबे यार सारा का सारा मैच सत्यानाश कर दिया। चलो कोई नहीं नेक्स्ट खेलेंगे भाई, इसका पता चल गया ना फिर, पहली बैटिंग फिर मैं लूँगा। अबे नहीं निकाले ऐसा ना कर, मैं ही लूँगा। अबे अच्छा तू ले ली भाई। तो गाइज आज की वीडियो को करते हैं यहीं तमाम, क्योंकि भाई जिमी तो रोने लग गया है और कुत्तों की तरह रोने लग गया था भाई, ये तो बैटिंग लेके भाग गया। अरे ओए आ जाओ यार, जिमी भाग चुका है, अब मैं क्या बोलूँ यार इसे। अबे तू खोचला बॉल बेटा, सारा का सारा कसूर ही तेरा यार। अच्छी भली बैटिंग चल रही थी यार, सारा का सारा सत्यानाश कर दिया तूने।